वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइज। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना ऑनलाइन शॉपिंग हॉल। और गाइज आज का जो शॉपिंग हॉल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो थोड़ा सा डिले हो गया है। एक्चुअली मैंने ये शॉप किया था लास्ट जब फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन शॉपिंग सेल चल रही थी, तब मैंने ये सारा स्टफ बाय किया था फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सो गाइज मैंने क्या क्या बाय किया था वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करती हूँ, प्लस मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू भी दे सकती हूँ उसके बारे में, बिकॉज लास्ट 20 डेज से मैं वो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ तो उसका मैं आपके साथ रिव्यू भी शेयर कर सकती हूँ। पहले गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना बिकॉज उसी के थ्रू आपको मेरे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो यस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे ये वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम लग गया है, इसलिए मैंने सारे जो कार्टन बॉक्स थे वो मैंने सब थ्रो कर दिया और मैंने सिर्फ एक ही रखा था क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी थी इसलिए। और गाइज सब प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपको अगर कुछ बाय करना है आप डेफिनेटली वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दिस वन, दिस इज बायोटिक का फेयरनेस फेस वॉश। फेयरनेस की वजह से नहीं लिया था, जस्ट इस पे सेल अच्छी थी इसलिए मैंने इसको बाय किया था। तो गाइज इसका जो एमआरपी है वो 240 रुपीज है और मुझे आफ्टर डिस्काउंट कितने का हुआ था मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। प्लस इसमें जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो 200 ml मिलेगी। सो मैं लास्ट 20 डेज से यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये बहुत माइल्ड है स्किन के लिए। सो फर्स्ट ये है। सो गाइज नेक्स्ट जो मैंने बाय किया था वो है टोनर एंड दिस ऑल्सो फ्रॉम बायोटिक। मेरे पास एक्चुअली टोनर था बट मैंने सोचा कि अगर मैं फेस वॉश यूज कर रही हूँ या फिर मुझे मॉइस्चराइजर चाहिए तो मैं एक रिजीम यूज करती हूँ, उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा पता चलता है, तो मैंने उसका टोनर भी बाय किया है। एंड दिस इज हनी वाटर पोर टाइटनिंग टोनर। सो ये हनी बेस्ड है और विंटर में स्किन ड्राई रहता है इसलिए मैंने ये बाय किया। सो मैं ये यूज कर रही हूँ बट इसका जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे थोड़ा सा ओके काइंड लगा क्योंकि मुझे फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है बट स्किन केयर के प्रोडक्ट में मुझे फ्रेग्रेंस ज्यादा पसंद नहीं है। सो ये थोड़ा स्ट्रांग है इसलिए मुझे थोड़ा सा बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट है बट फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग मुझे ये इतना पसंद नहीं आया। गाइस नेक्स्ट जो मैंने बाय किया है वो है दिस इज फेस मॉइस्चराइजर। ये भी बायोटिक का फेस मॉइस्चराइजर है। दिस इज कोकोनट व्हाइटनिंग डे क्रीम। सो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अगर मैं कुछ यूज कर रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसका सेम रिज्यूम यूज करूँ तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा पता चलता है, इसलिए मैंने सेम मॉइस्चराइजर भी बाय किया है एंड सेम मैंने इसका नाइट क्रीम भी बाय किया है फ्रॉम बायोटिक। और ये भी बहुत अच्छा डिस्काउंट में मुझे मिला था। आफ्टर डिस्काउंट में प्राइस ऊपर मेंशन कर दूंगी गाइस। इसका जो नेट एमआरपी है वो है 199 एंड 50 ग्राम्स का ये टब मिलेगा आपको। इसका सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी बायोटिक प्रोडक्ट्स का। और मुझे ये क्रीम पसंद आई, अकॉर्डिंग टू विंटर अच्छा है, नरिशिंग के लिए बेस्ट है। मैंने बाय किया दिस वन, दिस इज नाइट क्रीम। ये भी बायोटिक का नाइट क्रीम है। दिस इज विद जम यूथफुल नाइट क्रीम। दिस इज नरिशिंग नाइट क्रीम बेसिकली और विंटर्स के लिए नरिशिंग क्रीम ही मुझे चाहिए था। एंड इसका एमआरपी है गाइस 230 और ये ऑलमोस्ट मुझे 50% डिस्काउंट में मिला था। बायोटिक का जितना भी प्रोडक्ट है वो सब 50% ऑफ में मुझे मिला था। सो मैं एमआरपी आपको यहाँ बता देती हूँ और आफ्टर डिस्काउंट मुझे कितने का पड़ा था वो मैं स्क्रीन पे आपके लिए मेंशन कर दूंगी गाइस। सो गाइस स्किन केयर के साथ साथ मैंने बाय किया बॉडी केयर प्रोडक्ट्स भी क्योंकि विंटर में बॉडी भी बहुत ड्राई हो जाती है। सो बिग बिलियन डेज से मैंने बाय किया दिस वन, दिस इज निविया बॉडी क्रीम रिच नरिशिंग क्रीम। सो गाइज मैंने ये बाय किया है एंड 20 डेज में ये हाफ से भी ज्यादा यूज हो गया है मेरा। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो ये परफेक्ट है आपके लिए विंटर्स में बिकॉज इसका जो टेक्सचर है गाइज ये प्रॉपर क्रीम ही नहीं है, प्रॉपर जेल नहीं है। दिस इज क्रीम प्लस जेल क्योंकि बहुत थिक नहीं है। अगर आपका स्किन नॉर्मल टू ड्राई है दिस इज बेस्ट फॉर यू। और इसका जो एमआरपी है गाइज, इसका एमआरपी है 275 और आफ्टर डिस्काउंट कितने का होता है सेम मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। लिंक सारे मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने सेम एक लोशन बाय किया है। दिस इज लव ब्यूटी एंड प्लैनेट विद आर्गेनॉल एंड लेवेंडर अरोमा। और गाइस इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत स्ट्रांग है और इसका भी मैंने रिव्यू चेक किया था, रिव्यू बहुत अच्छा बता रहे थे। हमारे गाइस वो है 500 रुपीज और इसका जो नेट आपको एमएल मिलेगा वो है 400 ml। सो ये बेस्ट डील है बिकॉज 500 रुपए में आपको 400 ml प्रोडक्ट मिल जाता है और ये मुझे ऑलमोस्ट 50 और 60% डिस्काउंट में मिला था। और ये लेवेंडर फ्रेग्रेंस के साथ है, फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रांग है, परफ्यूम फ्रेग्रेंस है और डायरेक्शन के लिए बहुत अच्छा लोशन है, हाइड्रेशन बहुत अच्छा देता है, बहुत लाइट वेटेड है स्किन पर और मुझे ये पर्सनली पसंद आया। फ्रेग्रेंस थोड़ा सा स्ट्रांग है बट ठीक है, परफ्यूम लोशन है ये चल सकता है, मुझे फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है। सो ये लोशन मैंने बाय किया था। देन इसके प्राइस मैंने बाय किया दिस वन, दिस इज लैक्मे सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट लोशन। एक सनब्लॉक भी चाहिए था इसलिए मैंने ये ट्राई किया, इससे पहले मैंने कभी भी लैक्मे का ये सन एक्सपर्ट ट्राई नहीं किया है, इसलिए मैंने इसको बाय किया है। दिस इज अल्ट्रा मैट लोशन। वैसे विंटर के लिए तो थोड़ा सा नरिशिंग चलता है, लेकिन इसका जो टेक्सचर है गाइस, ये आपको मैट फिनिश तो देगा, लेकिन ये थिक बेस्ड है, तो ये आपको स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। अगर आप कोई मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते हो, डायरेक्ट आप इसको अप्लाई करोगे तो भी चलेगा, अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो। सो दिस इज गुड फॉर मी। अगर मुझे अपनी स्किन ज्यादा ड्राई लगती है तो मैं फर्स्ट में अपना फेस मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ दिस वन। दिस इज एसपीएफ सन ब्लॉक। और गाइस मुझे सन ब्लॉक चाहिए था और मुझे ये बहुत पसंद आया, बिकॉज इजी टू कैरी है और प्राइस के अकॉर्डिंग फ्रेंडली है गाइस। इसके बाद मैंने बाय किया था दिस। गाइस इसके बाद मैंने बाय किया दिस वन। दिस इज लैक्मे 925cc क्रीम इन द शेड नंबर 03 ब्रॉन्ज। 03 ब्रॉन्ज मेरा शेड नंबर है। मैंने कभी भी सीसी क्रीम भी अप्लाई नहीं की थी, इवन मैंने जो भी सेल से परचेज किया है इससे पहले मैंने सेम प्रोडक्ट कभी यूज नहीं किया है। ये फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रही हूँ और ट्राई करूंगी, उसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंडिविजुअल। और इसमें शेड नंबर मेरा 03 है ब्रॉन्ज गाइज। और इसके साथ मैंने एक मेकअप किया है, बहुत अच्छा लुक आया था, कवरेज बहुत अच्छी है इसकी। और ये भी SPF 30 के साथ है, मतलब अगर आप सनब्लॉक यूज नहीं करते हो, डायरेक्ट आप इसको यूज करते हो आफ्टर मॉइस्चराइजर, ये भी इनफ है आपके लिए। ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए परफेक्ट है ये, और बहुत लाइट वेटेड है। सो मैंने ये बाय किया है। एंड इसका जो प्राइस है गाइस, इसका प्राइस है 299। एंड मुझे ये कितने का पड़ा था मैं ऊपर आपको मेंशन कर दूंगी। देन उसके बाद गाइस बाय किया था मैंने दिस वन। दिस इज ओलिविया पेनस्टिक। और ओलिविया पेनस्टिक ऑलरेडी मेरे पास 3 है और मुझे ओलिविया पेनस्टिक बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैंने एक नेचुरल कलर भी बाय किया है। उससे पहले मेरे पास 3 शेड्स और भी हैं और ये भी SPF 12 के साथ है। और ये बहुत अफोर्डेबल है, अगर आप फाउंडेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो। दिस इज बेस्ट। इसका जो MRP है गाइज वो है 150 रुपीज। और 150 रुपीज में आपको मिलता है 15 ग्राम्स। 15 ग्राम बहुत ज्यादा होता है, आप कितना भी यूज करो बहुत चलने वाला है। सो ये 150 इसका MRP है। और आपका इसका मुझे ऑलमोस्ट ये 120 रुपीज और 125 रुपीज का पड़ा था। सो मैंने एक ये बाय किया है। एंड देन उसके बाद गाइज बाय किया है मैंने दिस टू फेस ब्लीच। दिस इज BLCC इंस्टा ग्लो गोल्ड ब्लीच। इसका रिव्यू और डेमो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने चेक नहीं किया है तो मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, आप जरूर चेकआउट करना। इसका जो ग्लो आता है वो बहुत अच्छा आता है और ये भी बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। MRP है गाइस वो 65 रुपीज है। और 65 में आप 2 टाइम ब्लीच कर सकते हो। सो इसमें मैंने एक बार अपने लिए किया और एक बार अपनी मम्मा के लिए किया है। और इसका ग्लो बहुत अच्छा आता है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, आप ट्राई कर सकते हो। इसका आफ्टर डिस्काउंट क्या प्राइस था मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज ओलिविया हर्बल ब्लीच। इसका भी रिव्यू एंड डेमो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये भी मैंने स्पेशली रिव्यू के लिए ही ऑर्डर किया था और ये भी बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। मैंने छोटे साइजेस ही ऑर्डर किए हैं बिकॉज मुझे पता नहीं है कि ये सूट करेगा नहीं करेगा। इससे पहले मैं मैंगो ब्लीच यूज करती थी और वो मेरी स्किन पे बहुत औसम वर्क करता है। और इसका भी रिव्यू एंड डेमो बहुत जल्दी आपके पास आएगा, मैं करूंगी। देन इसके बाद गाइस मैंने बाय किया था दिस वन। दिस इज बेसिकली ये नेल आर्ट के लिए मैंने बाय किया है। तो मेरे नेल्स नहीं है, लेकिन इसको जो मैंने बाय किया है वो बाय किया है आई मेकअप के लिए। यस, ये नेल आर्ट का है बट मुझे आई मेकअप में कुछ लुक क्रिएट करने थे, इसलिए ये मैंने मैंने ये बाय किया था। एंड इसका जो प्राइस है गाइस वो 150 रुपीज है। एंड आफ्टर डिस्काउंट मुझे 100 रुपीज का पड़ा था। देन इसके बाद गाइस मैंने बाय किया था 2 प्लूमिंग स्टोन। और एक मैं यूज कर रही हूँ एंड एक ये है। तो ये सील्ड पैक है, इसको मैं बाद में यूज करूंगी जब वो डैमेज हो जाएगा। और ये भी मैंने बाय किया था 50 रुपीज ईच। और मुझे प्लूमिंग स्टोन पर्सनली बहुत पसंद है। एंड लास्ट मैंने बाय किया है दिस वन। दिस इज वॉल स्टिकर। और वॉल स्टिकर गाइस मैंने ये अपने पीछे जो व्हाइट वॉल है उसके लिए ऑर्डर किया है और इसको मैं बहुत जल्दी अपने वॉल पे अप्लाई करूंगी। को कुछ टाइम बाद मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज लगेगा। गाइस मेरी वीडियो और मैंने क्या क्या बाय किया आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज जरूर बताना कमेंट्स करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो वीडियो को यही फिनिश करती हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज, और ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। तो ये सारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया जो मैंने बाय किया था। इसका पर्सनल रिव्यू बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो गाइस टेक केयर, बाय बाय।